हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे मैंगो फ्रूटी। और मैंगो फ्रूटी जो हम मार्केट से लेके आते हैं, बिल्कुल वही स्वाद, वही टेस्ट। और सबसे अच्छी बात, बनाना बहुत ही आसान और आप घर पे झटपट बना सकते हैं। और जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए मैंगो फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने लिया है एक पका हुआ आम, एक बड़े साइज़ का लिया है मैंने पका हुआ आम, और दो मैंने लिए हैं कच्चे आम। और आम को हम छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, या फिर इसका पल्प भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने आम का पल्प इस तरह से निकाल लिया है पक्के आम का, और कच्चे आम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और उसके बाद हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई या पैन, और इसमें हम डाल देंगे आम, आम का पल्प और कच्चे आम दोनों को हम कढ़ाई में डाल देंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम तकरीबन 2 कप पानी। तो मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है, और इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद इसको हम बॉईल होने देंगे। और इसे हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि जो इसमें कच्चे आम हैं वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं, तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। तो इस प्रोसेस को होने में 10 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो इसको हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। और ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत आसानी से ये टूट जा रहे हैं जो कच्चे आम हैं। पके आम तो सॉफ्ट होते ही हैं, लेकिन हमें दोनों को एक साथ ही पकाना है। तो अब इसमें डाल दूंगी मैं चीनी, तो मैं इसमें तकरीबन 1 कप चीनी डाल रही हूँ। और उसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे और चीनी गलने की वेट करेंगे। तो 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और अब इसको ढकना नहीं है, इसको हम ऐसे ही होने देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, गल गई है, और जो आम है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो आम का पल्प जो ठंडा हो गया है, अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। तो इस तरह से मैंने छन्नी रखी है, स्ट्रेनर, तो उसमें हम सारे आम के पल्प को स्ट्रेन कर लेंगे। और जो नीचे चाशनी है इसको हम अलग कर लेंगे। तो चाशनी को मैंने अलग कर दिया है, अब हम आम के पल्प को छान लेंगे और इसका जो रेशा है उसको अलग कर लेंगे। तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप स्पून की हेल्प से इसको मसल के इसका रेशा हटा सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको छान लिया है और ये इसका रेशा अलग हो गया है। तो जो हमने चाशनी बनाई थी, जो चाशनी हमने छान के रखी थी, वो भी इसमें डाल देंगे, और इसको भी हम इसी के साथ छान लेंगे। उसके बाद हम चाशनी और आम के पल्प को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, और अभी ये बहुत गाढ़ा है, ये देखिए। तो अब इसमें हम चिल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी ऐड करेंगे। तो पहले मैं एक बड़ा बर्तन ले लेती हूँ, और मैंगो फ्रूटी जूस को इसमें हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, एकदम चिल चिल वाटर इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी। और इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ना बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल मैंगो फ्रूटी की तरह जैसे उसकी थिकनेस होती है, सेम वही। तो थोड़ा सा पानी इसमें मैंने और ऐड किया है, तो बस अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैंगो फ्रूटी
रेडी है, चिल्ली को सर्व करते हैं। तो मैंने लिया है सर्विंग ग्लास और मैंगो फ्रूटी, चिल चिल मैंगो फ्रूटी सर्व कीजिए। और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बना है ये मैंगो फ्रूटी, वही स्वाद वही टेस्ट आप एक बार बना के जरूर देखिएगा। लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घर में थोड़ी थोड़ी देर पे डिमांड करते रहते हैं, तो इस तरह से बच्चों को घर में इस तरह के ड्रिंक बनाइए और पिलाइए, खुद भी पीजिए सबको पिलाइए। और आपको मैंगो फ्रूटी की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के और पे क्लिक करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका मैसेज आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।